अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्रैमर के तरीके से हमजाद मसावातों को हल करें। इसका पहला जुज़ है एक्स जमा 2y बराबर है 3, एक्स जमा 3y बराबर है 1। ये क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा आसान है, बस आप अगर पहला जुज़ अच्छे से समझ लोगे तो आपके लिए बाकी जुज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, मसावातों को कालबी शक्ल में लिखेंगे, यानी अदीदी सरों का कालब बनाएंगे, जहाँ पे कोई हिंसा नहीं है वहाँ पे आप एक लिखेंगे, एक दो एक तीन। दूसरा कालब जो है वो मतगैर अरकान का होगा, यानी एक्स वाई का, और तीसरा मुस्तकिल अरकान का 3 और 5। इनको नाम देंगे ए, एक्स और बी। अब हमें इसमें से x और y की कीमत मालूम करनी है। x यहाँ पे कुलिया लगाया जाएगा, x बराबर है ए एक्स का मक्ता बटा ए का मक्ता, y बराबर है ए वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता। हम पहले ए कालब लेंगे, इसका मक्ता मालूम करेंगे, 3 × 3 माइनस कुलिए का 2 × 2, 3 में से 2 को माइनस किया 1 आया। अब हम ए एक्स का मक्ता मालूम करेंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा तवज्जा देने की ज़रूरत है, करना आपने ये है कि ए कालब लिया आपने, उसमें से आपने जब ए एक्स मालूम करना है तो आपने ए कालब में से ये जो पहला कालम है इसको बाहर निकाल देना है और इसकी जगह पे बी कालब ले आएंगे, 3 और 5 इस तरह से। फिर इनको आपस में ज़रब दे देंगे, 3 × 3 = 9 माइनस कुलिए का 5 × 2 = 10, 10 में से 9 माइनस किया 1 आ गया, बड़ी रकम के साथ अलामत आ गई। इसी तरह आपने जब ए वाई का मक्ता मालूम करना है उसके लिए आप ए कालम में से आपने ये जो दूसरा कालम है इसको बाहर निकाल देना और इसकी जगह पे बी कालम ले आना है, और फिर इनको आपस में इस सूरत में फिर इनको ज़रब दे देंगे, 5 × 5 माइनस कुलिए का 3 × 3, 5 में से 3 माइनस किया 2 आ गया। अब एक्स मालूम करना है, कुलिया लगाएंगे, ए एक्स का आंसर ए एक्स का मक्ता जो था हमारे पास आया था -1 और ए का मक्ता 1, तो -1/1 बराबर आया -1 के। वाई बराबर है ए वाई का मक्ता बटा ए का मक्ता, ए वाई का मक्ता हमारे पास आया 2, ए का मक्ता आया था 1, तो बटे के नीचे 1 हो, यानी 1 जो है वो किसी रकम को तकसीम नहीं करता, लिहाजा 2 आंसर आ गया। दूसरा जुज़ है मसावातों को, अगेन हम कालमों की शक्ल में लिखेंगे। कालबों में लिखने के बाद इनको नाम दिया जाएगा ए, एक्स, बी। एक्स और वाई मालूम करना है, उसके लिए कुलिया लगाएंगे, ए एक्स का मक्ता बटा ए का मक्ता, ए वाई का मक्ता बटा वाई का मक्ता, सॉरी यहाँ पे ए का मक्ता आएगा। ए वाई बटा ए का मक्ता, ए का मक्ता मालूम किया हमने, 6 × 3 = 6 माइनस 5 × 5 = 5, 6 में से 5 माइनस किया 1 आ गया। ए एक्स का मक्ता लिया, अगेन हमने क्या किया कि ए कालब जो हमारे पास है उसमें से हमने पहला जो कालम है उसे निकाल के उसकी जगह पे बी कालम ले आए, फिर इनको आपस में ज़रब दी, 3 × 3 माइनस कुलिए का 2 × 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया। ए वाई, इसके लिए हम क्या करेंगे, ए वाई में जो ए कालब है उसके अंदर जो दूसरा कालम है उसको बाहर निकाल के उसके जगह पे हम बी कालब ले आएंगे, और फिर इनको ज़रब दे दी जाए कि 2 × 2 = 4 माइनस कुलिए का 5 × 5, 5 में से 4 माइनस किया 1 आ गया, और 7 में माइनस, बड़ी रकम की अलामत। अब हमें एक्स और वाई की कीमतें मालूम करने के लिए कुलिए में रकमें जो हैं वो दर्ज करनी है। ए एक्स का मक्ता 1 बटा ए का मक्ता 1 आया, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1, 1/1 बराबर है 1 के। वाई मालूम करना है, कुलिया लगाया, ए वाई का मक्ता हमारे पास आया था 1 और ए का मक्ता भी 1, -1/1 बराबर है -1 के। जुज़ नंबर 3 है जी, इसको दोबारा हम कालबी शक्ल में लिखेंगे, ए एक्स
बराबर है बी के। इसमें एक्स और वाई मालूम करना है, एक्स का कुलिया लगाया, वाई का कुलिया लगाया, उसके बाद एक कॉलम लेंगे उसका मकता मालूम करेंगे, दो मकता आ गया, ए एक्स मालूम करना है, यानी एक कॉलम में से आपने क्या करना है, पहला जो कॉलम है इसे बाहर निकाल के इसकी जगह पे आपने बी कॉलम लिख देना है, फिर इनको अगेन ज़रब देनी है, ज़रब दी तो एक्स का मकता हमारे पास आया 8। उसके बाद ए वाई का मकता मालूम करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा से एक कॉलम जो है इसमें से आपने दूसरा कॉलम जो है कॉलम है इसको बाहर निकाल देंगे और इसकी जगह पे आपको बी कॉलम लिखना है। लिखने के बाद आप इनको दोबारा ज़रब देंगे, 1 0 बार 0 माइनस कुलिए का 2 1 बार 2, तो 2 में से 0 माइनस किया, 2 माइनस एक्स मालूम करना है, एक्स का कुलिया लगाया, वाई मालूम करना है, उसके लिए वाई का कुलिया लगाया, एक्स का कुलिया लगाया, ए एक्स का आंसर हमारे पास आया 8 और ए का आया 2, यानी ए एक्स का मकता 8 था और ए का मकता था 2, तो इसको डिवाइड किया 8 को 2 से, आंसर आया 4। वाई मालूम करना है, कुलिया लगाया, ए वाई का आंसर जो है हमारे पास आया -2 और ए का मकता था 2, 2 2 से कट गया, 1 आया, 7 में माइनस। इसके साथ ही हमारा जूज नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।